सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ब्लॉगर। और तो दोस्तों, मैं ज़रा के आपको बता दूं कि आज मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है, तो मैं आज आपको इंट्रोडक्शन ही दूंगा। तो मेरा नाम है शुभम, तो और मैंने ये बर्ड्स भी रखे हैं अपने, तो मैं आज आपको बर्ड्स दिखाऊंगा अपने बजीज। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे दो पेयर हैं, एक इस मटकी में एक उधर, दोनों ने ब्रीडिंग की रखी है, कर रखी है। और इसमें तो बच्चे बड़े हैं और आगे वाले में अंडे हैं, और अभी अभी उन्होंने बच्चे निकाले हैं। तो आप बाहर से देख सकते हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ये दो पेयर ही नहीं और भी हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। और दरअसल ये हमने दो पेयर बाहर रखे हैं और अब बाकी अंदर है, इस बार सभी बाहर जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहे हमारे बजीज। तो दोस्तों मैं आपको ये बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये हमारे लास्ट क्लच के पट्ठे हैं, बच्चे, इनको पट्ठे कहते हैं बच्चों को। और इधर भी आप देख सकते हैं, इन्होंने भी ब्रीडिंग की हुई है, इन्हों दोनों ने 10-10 अंडे दिए थे और इसने लगभग 8 बच्चे निकाले थे। उसके दो बच्चे मैंने इधर कर दिए हैं क्योंकि उधर ज़्यादा हो गए थे, फिर पैरों के नीचे आके मर जाते हैं। उधर अभी भी 2 एग हैं और 6 बच्चे, इधर भी अराउंड 4 बच्चे और 6-7 अंडे हैं। और इसने भी ब्रीडिंग कर रखी है, इसके भी 4 अंडे और 2 बच्चे हैं। तो ये थी हमारी बजीज की कॉलोनी, एक बार मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ। और ये मैंने आपको जैसा कि बताया है, हमारे लास्ट क्लच के पट्ठे या बच्चे कह सकते हैं आप। तो दोस्तों ये था हमारा सेटअप। दोस्तों ये जो ब्रीडिंग पेयर हैं और पट्ठे, ये सभी हम इस गर्मी बाहर ले आएंगे, बाहर पंखे का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा। और दोस्तों इस बार गर्मी बहुत पड़ रही है, क्या बात है, पहले नहीं कभी ऐसी गर्मी देखी। तो हम इसी में रखेंगे सारे बजीज, अराउंड 10-12 पेयर तो आराम से आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये दोस्तों मैंने खुद तैयार किया था ऊपर से ईंटें ले आकर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।